हेलो, वेलकम टू कोडेस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कचौरी, और इसके लिए हमने एक कप मूंग दाल को 3-4 घंटे भिगोकर उसे दरदरा पीस लिया है, और इसमें 4 हरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच हींग लिया है। 2 चम्मच तेल में अदरक, हरी मिर्च डाल और हींग डालकर उसे फ्राई करें। हल्का सा लाल होने दें। अब इसमें एक एक करके सब मसाले डाल दें। भूनिए अच्छे से। इसमें दाल मिला दें। दाल को अच्छे से पानी सूखने तक इसे पकाना है। धनिया डाल दें ऊपर। इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। 3 कप मैदा लें, 1 चम्मच नमक, 1/2 कप तेल डालें। अच्छे से मिक्स करें। अब पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लें। आटा एकदम कड़क भी नहीं रखना है और एकदम नरम भी नहीं करना है। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट रख दें। तब तक हम खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। इमली को 10 मिनट पानी में भिगो दिया है। इसमें गुड़ डाल के इसे उबालें। इसमें मिक्सी में पीस कर इसे छान लें। इसे गैस पर 1 चम्मच तेल लें, 1 चम्मच जीरा डालें, 1/2 चम्मच सौंठ डालें, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसे चटनी में मिला दें। 1 चम्मच शक्कर, 1/2 चम्मच नमक, 2 से 4 मिनट पकाना है। आपकी चटनी तैयार है। कचौरी के लिए ऐसे
इसे हल्का सा बेल कर उसमें एक या डेढ़ चम्मच इसमें ये मसाला भरें। उसे हथेली से ऐसे चपटा करें। आप चाहें तो इसे हल्का सा बेल भी सकते हैं, हल्के हाथों से बेलें इसे। तेल को एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना है, धीरे धीरे एक एक कचौरी डालें। इसे बिल्कुल नहीं हिलाना है, ये अपने आप ऊपर आएंगी, अभी इसे पलट देना है। और अब आपकी छोटी छोटी कचौरी तैयार है। इसे आप चाय के साथ में खा सकते हैं। और बड़ी कचौरी के लिए हमने थोड़ा बड़ा बेला है उसे, और उसे ऐसे फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी कचौरी फूलकर तैयार है। इसे आप दही से और चटनी वगैरह डाल के खा सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ सुझाव देना चाहते तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।